हेलो गाइस तो फाइनली जो आपका अर्धवार्षिक का लेखा शास्त्र का सेट ए का पेपर है वो आ गया है और ये बहु ये आप समझ लो कि नाइन्टी नाइन परसेंट ये बिल्कुल रियल पेपर है आपको ये देखने आपके एग्ज़ाम में मिल जाएगा ठीक है अब यहाँ पर ना तुम लोगों को एक चीज बताते हैं बहुत सारे बच्चे ना क्वेश्चन से डरते हैं है ना जो अकाउंट में ना एक चीज़ रहती है कि भैया थ्योरी कुछ बच्चों को क्वेश्चंस पसंद है कि क्रियात्मक प्रश्न मिल जाए और कुछ बच्चों को पसंद है कि भैया थ्योरी थ्योरी बस मिल जाए फिर कोई टेंशन नहीं हम थ्योरी थ्योरी तो बढ़िया कर लेंगे लेकिन हमें क्वेश्चंस नहीं आते तो उसकी भी ट्रिक बताऊंगा यार कुछ ना कुछ ठीक है अब ये पेपर तुम लोगों को तैयार करना है और टेलीग्राम पे पूरे तरीके से जुड़ जाना है ठीक है चलो अब इसके सॉल्यूशन के साथ अपन करेंगे सॉल्यूशन वीडियो का एंड में दे देंगे तो जस्ट वेट ठीक है लेखाएं की शाखाएं होती हैं वित्तीय लेखांकन लागत लेखांकन प्रबंधकीय लेखांकन उपयुक्त तो सभी तो लेखांकन की शाखाएं कितनी होती है पूंजी जो पूंजी होती है किस खाते में अं, अ, अ, जो पूंजी होती है किस खाते में अंतरित होती है वास्तविक खाता या नाम मात्र का खाता या व्यक्तिगत खाता या इनमें से कोई नहीं ठीक है व्यवसाय की पूंजी की बात भी कर सकते हैं कि ये किस में होती है तो वैसे तो नाम मात्र के खाते में आती है ना चलो नेक्स्ट वित्तीय लेन देन के साक्ष्य को कहते हैं क्या कहते हैं जो वित्तीय लेन देन होता है हमारा उसको क्या कहते हैं विवरण या सूची या मूल प्रलेख या बीजक ठीक है जमा पत्रक या क्रेडिट नोट बनाया जाता है विक्रेता द्वारा क्रेता द्वारा है ना रोकड़ियों द्वारा या बैंक द्वारा जब हम जमा पत्रक बनाते हैं ना क्रेडिट जि नोट जिससे क्रेडिट होती है वो बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं तो वो बताना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्न में से चालू संपत्तियों का उदाहरण है चालू संपत्तियां कौन कौन सी चालू संपत्तियां समझते हो कि जो चल रही हैं ठीक है थीके? जैसे भवन मशीनरी लेनदार या फर्नीचर अब इनमें से कौन सा है भवन हो सकती है मशीनरी लेनदार या फर्नीचर तो इसमें मशीनरी लग रहा है ना चलो नेक्स्ट है वर्ष के अंत में पूंजी में वृद्धि दर्शाती है जो वर्ष के अंत में जो पूंजी में वृद्धि होती है वो क्या चीज दर्शाती है आंसर की बिल्कुल भी फिक्र मत करो गाइस सब आंसर तुम लोगों को मिलेंगे पूरे आंसर्स मिलेंगे चालू वर्ष में चुकाए गए ऐसे व्यय जिनका संबंध आगामी वर्ष से होता है उन्हें क्या कहते हैं ठीक है बैंक समाधान द्वारा बनाया जाता है बैंक समाधान द्वारा बनाया जाता है बैंक समाधान द्वारा बनाया जाता है नेक्स्ट है उधार बेची गई संपत्ति का अभिलेखन मैं होगा उधार बेची गई संपत्ति का अभिलेखन मैं होगा फिर नेक्स्ट है रोकड़ बही में सौदू का लेखन नहीं किया जाता उसके बाद नेक्स्ट है व्ययों के भुगतान में पूंजी डैश होती है ठीक है बात कर लेते हैं सत्य है सत्य की तो मूल प्रलेख के आधार पर ये वाला है मूल प्रलेख के आधार पर प्रमाणक तैयार किए जाते हैं जमा की पर्ची मूल प्रलेख है बैंक खाता एक वास्तविक खाता है लेखांकन सिद्धांत मानव निर्मित है ठीक है बच्चा चलो नेक्स्ट है लेखांकन की तीन शाखाएं होती हैं क्या लेखांकन की तीन शाखाएं होती हैं कि कम होती हैं उससे ज्यादा होती हैं बताओ नगद बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है जो नगद बट्टे का लेखा है पुस्तकों में किया जाता है इज राइट ठीक है देव पत्र है ना अब आ जाते हैं मैचिंग पर ये अपनी आने वाली है सात नंबर की ठीक है देव पत्र हो गया है ना ये हो गया फिर विके की माल लागत फिर अप्रत्यक्ष व्यय मशीन क्रय मार्क संचय प्रावधान ठीक है सबकी आंसर्स मिलेंगे और ये पूरा पेपर एक जगह बिल्कुल हंड्रेड परसेंट आपका आने वाला है जिन जिनका सेट ए आता है तो उनके में ये पेपर हंड्रेड परसेंट आने वाला है गाइज ठीक है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करके रख लो एक वाक्य में उत्तर दीजिए वह व्यक्ति जिसे आधार माल बेचा जाता है कहलाता है वह व्यक्ति जिसे सॉरी आधार बोल रहा था मैं उधार माल बेचा जाता है कहलाता है वह व्यक्ति जिसे उधार का माल बेचा जाता है कहलाता है बहुत आसान है दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन है दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन है नेक्स्ट है खाता बही में लेनदारों को लिखना क्या कहलाता है खाता वही में लेनदारों को लिखना क्या कहलाता है उसके बाद नेक्स्ट है कोई एक चालू दायित्व का उदाहरण दीजिए कोई एक चालू दायित्व का क्या करना है उदाहरण देना है चिट्ठा तैयार करने का एक उद्देश्य लिखिए चिट्ठा तैयार करने का एक उद्देश्य लिखना है तरल संपत्तियों का कोई उदाहरण देना है प्रावधान का लेखा किस खाते में किया जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेखांकन से क्या आशा है ठीक है बहुत आसान है लेखांकन वाला आशा व्यवसाय किसे कहते हैं है ना व्यवसाय किसे कहते हैं कि अपन लोग जो भी लेन देन करते हैं कहीं पर भी है ना तो उसको व्यवसाय कहते हैं नकल बही से क्या आशा है या खाता बही से क्या आशा है ये क्वेश्चन तो तुम्हारा वार्षिक में भी आएगा ठीक है नकल बही खाता बही उसके और लेखांकन वाला भी वार्षिक में आएगा हंड्रेड परसेंट तुम लोग लिख के ले लो ये क्वेश्चन दोनों आने वाले हैं रोकड़ बही के संतुलन से क्या आशा है और खतेनी से क्या प्रया है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक समाधान विवरण से आप क्या समझते हैं बैंक समाधान विवरण से आप क्या समझते हैं नेक्स्ट है सैद्धांतिक अशुद्धियों के दो उदाहरण दीजिए सिद्धांतिक अशुद्धियों के कितने उदाहरण देना है बच्चों दो उदाहरण देना है संपत्तियों के अप्रचलन से क्या आशा है फिर प्रावधान से क्या आशा है नेक्स्ट है असामान्य हानि किसे कहते हैं बारवा क्वेश्चन है स्थायी किस्त पद्धति के कोई दो लाभ लिखिए नेक्स्ट है प्रावधान के चार उदाहरण लिखिए ठीक है।, है उसके बाद तेरवा क्वेश्चन है लटपट की दो सीमाएं लिखिए उदा उदरत ए, कहते हैं से क्या आशा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बही खाते के आधार पर अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं बैंक समाधान विवरण बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ठीक है रोकड़ बही के संतुलन से क्या आशय है फिर उसके बाद लेखांकन के दो उदेश देखो फिर से आ गया लेखांकन वाला क्वेश्चन ये तो क्वेश्चन चाहे आप बिल्कुल इसको रटना ही रटना है ठीक है है लेखांकन वाला क्वेश्चन आपको रटना ही रटना ही बच्चों ठीक है बच्चो, ना अब बात करते हैं कि खाता वह पृष्ठ संख्या से क्या समझते हैं मतलब खाता बही पृष्ठ संख्या से आप क्या समझते हैं नेक्स्ट वाला इसी का अथवा है व्यवहारिक छूट व नगद छूट में क्या अंतर है फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है खातु के संतुलन से आप क्या समझते हैं क्या है बच्चा खातू के संतुलन से आप क्या समझते हैं ठीक है और उसी के नीचे चिट्ठा बनाने के कोई तीन उद्देश्य इन सभी के आंसर आप सभी को मिलेंगे बच्चों ठीक है सभी के आंसर्स मिलेंगे डोंट वरी है ना लटपट का चिट्ठा के अंदर लिखिए और आमूर्त संपत्तियां किसे कहते हैं उदाहरण दीजिए अब आ जाते हैं तीन नंबर का लास्ट में क्वेश्चन शिक्षा की तरलता कम होने से क्या समझते हैं शिक्षा की तरलता से कम होने से क्या समझते हैं नेक्स्ट है, है वित्तीय विवरणों की उपयोगिता समझाइए ठीक है थीके? ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार करने पूरे क्वेश्चन हंड्रेड आने वाले हैं वित्तीय विवरण तैयार करते समय समय समायोजन क्यों आवश्यक है वित्तीय विवरण तैयार करते समय समय समायोजन क्यों आवश्यक है पूंजीगत प्राप्ति तथा आयगत प्राप्ति में अंतर लिखिए पूंजीगत प्राप्ति तथा आयगत प्राप्ति में अंतर लिखिए लेखांकन प्रणा प्रमाणक के प्रमुख प्रकारों को समझाइए लेखांकन समीकरण के प्रमुख आवश्यक तत्व को समझाइए ठीक है लेख फिर उसके बाद आ जाता है हमारा चार नंबर की लास्ट क्वेश्चन जो है लेखांकन प्रमाणक लेखांकन रिलेटेड बच्चों आपको हर पूरा एक वो चैप्टर है ना पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है लेखांकन रिलेटेड पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है अब लेखांकन प्रमाणक के मुख्य प्रकारों को समझाइए लेखांकन समीकरण के प्रमुख उद्देश्य वो सॉरी प्रम, प्रमुख आवश्यक तत्व लिखिए इसी का अथवा वाला आ जाता है ये की नकल वही रहने की आवश्यकता लिखी बाईसवाँ क्वेश्चन फिर मूल प्रलेख की प्रमाणक में अंतर लिखी फिर तेईस वाला है अशुद्धियों को संशोधित करने की विधियां लिखना है और लटपट बनाने के उद्देश्य लिखना है अब बच्चों तुम लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी कि हमारे क्रियात्मक क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आए हैं ठीक है क्रियात्मक क्वेश्चन इस सेट में नहीं आए हैं तो जिसके यहां ये वाला सेट आने वाला है तो वो बच्चा तो खुश हो जाओ कि ये बिल्कुल आप सभी के यहां ये सेट जो आने वाला है इसमें आपको बिल्कुल क्रियात्मक क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे मतलब थ्योरी में तो पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको बस बढ़िया तरीके से लिख देना पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना ठीक है पूरे आंसर्स को अटेंड करना तो बढ़िया से तुम्हारा परफॉर्मेंस रहेगा और बढ़िया से तुम्हारे नंबर आएंगे तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही और अगर इस वीडियो में तुम लोग कराते हो पाँच सौ लाइक तो नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा चलिए ने मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में